वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे जैकपॉट कॉल के बारे में, किस बिहाफ पे लिया गया, क्या क्या रीजन था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और फिर वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे वह इंट्राडे जैकपॉट कॉल। मैं जो कॉल देता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो हमेशा इतना क्यों चलता है, तो आज उसी पे बात करेंगे। उसका मैं रीजन दूंगा, लॉजिक दूंगा। देखिए फ्रेंड, मेरे वीडियो में कुछ लॉजिक होता है, मैं एक बस यूं ही बाई और यूं सेल नहीं करता, उसके पीछे बहुत से एनालिसिस किया रहता है। तो फ्रेंड्स, आज उसी के एक प्रक्रिया पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि मैं investing.com चार्ट पे आ चुका हूँ और जो कॉल था फ्रेंड्स, सबसे पहला आप आइए और आज का देखिए, टुडे का था फ्रेंड्स। और देखेंगे तो मैंने IRB को सेल दिया था 142.90 रुपया पे फ्रेंड्स, यानी कि 9:39 पे, यानी कि जो दूसरा कैंडल बन रहा था फ्रेंड्स, मैंने उस कैंडल में जो है आपको सेल करने को बोला था फ्रेंड्स। आप देखते जाइए, मैंने 2:30 बजे तक मैंने उस पोजीशन को यहाँ पे बोला कि जैकपॉट हुआ, तो जिनको 2:30 बजे निकलना था, इस प्राइस पे भी अगर निकले होते तो एटलीस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते थोड़ा सा चार्ट पे, इसका क्या रीजन था। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला इसका क्या रीजन रहा होगा सेल करने का। अब मैं बोलता हूं कि देखिए फ्रेंड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं करता, ठीक है, इसके पीछे बहुत से एनालिसिस होते हैं। तो मैं आपको जो एक कॉमन जिसको मैं ज्यादातर लेके चलता हूं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ए स्टॉक यहां से ही ए डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश किया था, यानी कि एक दिन इधर, आधा दिन बोले तो एक दिन इधर एक दिन इधर, यानी कि लगातार 2 दिन से इसने लगातार कंटिन्यूस जो है आपको डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। आप यहां से ही देखे तो ये हाई लगाने के बाद ये नीचे गिर रहा है, और गिर भी रहा है तो किस कंडीशन में गिर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, 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 गिर रहा है, और आज 50 गिरा है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को मैंने पहला चीज ये देखा, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आप अगर एनालिसिस करते होंगे तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूं और मैं यहां पे लगा दूं, तो सबसे पहला फ्रेंड्स अगर आप देखें तो एक प्रीवियस डे के लो के नीचे ही ओपन हो गया, ठीक है, तो एक गैप डाउन ओपन था, इसलिए मैंने पहला कैंडल पे कोई डिसीजन नहीं लिया। अब बात नंबर जो दूसरा बात आता है कि इसको कैसे पता था कि ए आज डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उसके लिए एक इंडिकेटर लेता हूं। अगर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग भी इसी तरीका से ट्रेडिंग करेंगे जो मैं बता रहा हूं, तो उस तरीका से फ्रेंड्स आप ज्यादातर प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में जाने की चांसेस न के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक ही ईमेल लाइन लेनी थी, मैं इसको रेड ले लेता हूं। आप फ्रेंड्स देखिएगा, मैं ऊपर वाला लाइन को हटा देता हूं, इससे अब कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, तो ये जो आपको यहां से दिख रहा होगा, ये इस यहां से यहां तक, तो जो कल के जो लास्ट समय से स्टॉक 5 EMA लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दे पा रहा है, 5 EMA लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, जो 5 EMI इतना छोटा EMA लाइन होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, उसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, मतलब कि स्टॉक अच्छा से डाउन ट्रेंड में है, अच्छा से डाउन ट्रेंड में है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हुआ क्या था, ये अब जो मैंने पहला कैंडल को मैंने देखा कि पहला कैंडल कहां पे बना, तो पहला कैंडल थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो 5 EMA लाइन को छोड़ के बना था, 5 EMA लाइन में कोई टच नहीं था, कुछ भी नहीं था, और एक कैंडल नीचे जो क्लोजिंग हुआ, तो मेरे को ऐसा था कि ए स्टॉक आज अच्छा से नीचे जाने वाला है, इसका मूड है, ए अच्छा से डाउन ट्रेंड में भी है और अच्छा से ए नीचे जा सकता है, ए स्टॉक यहां से ऐसा बता रहा था।
अब फ्रेंड्स मैंने इसको जो 142 रुपया 90 पैसा पे सेल दिया, और उसके बाद से थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो फ्रेंड्स लास्ट में इधर आके कहीं पे इसने 5 EMA लाइन के ऊपर जाने की कोशिश किया। उसके पीछे तो हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है, और इतना ही नहीं फ्रेंड्स और बहुत कुछ एनालिसिस होता है। मैंने तो आपको एक सिंपल सा जिसको आपको देखना है मैं उस चीज को आपको बताया कि आपको इसको इस तरीका से मैंने प्रेडिक्ट करता हूं, इस तरीका से भी मैं एनालिसिस में लाता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरीका से अगर आप भी ट्रेड करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि एकदम कॉमन सी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा कॉमन सी बात है, और उस पे कितना आपको एक अच्छा एक्यूरेट ट्रेड लेने में कितना सहायता दे सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पैसा फ्रेंड्स ज्ञान से तो बनता ही है, मगर ध्यान से पैसा ज्यादा बनेगा। ज्ञान आपको लॉस होने से बचाएगा और ध्यान आपको प्रॉफिट बना के देगा, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीका से अगर आप देखिए तो किस तरीका से नीचे गिरा है, तो इसी सारी चीजें पे मैं फ्रेंड्स आपको बात कर रहा हूं। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, यहाँ पे सेल ही देगा, ठीक है। तो इस तरीका से स्टॉक को सिलेक्शन करना है। ज्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से बहुत से लोगों को हेल्प मिलता है जो ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। और अकाउंट ओपनिंग करने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो का जो लिंक है जो अकाउंट ओपनिंग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहां से भी जाके आप अकाउंट ओपनिंग करा के, और जो मैं इस ग्रुप में जो कॉल देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, एजुकेशनल पर्पज से जो कॉल देता हूँ, आप वहां पे शामिल हो सकते हैं और आप अपने हिसाब किताब से यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीका से आपको सारी की सारी चीजों को समझना है और उसके बाद ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे पैसा बनता है। अगर आप सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपका पैसा टाइम सब बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। मैं किस हिसाब से इसमें मैंने ट्रेडिंग कॉल दिया था वो भी मैंने बताया। तो फ्रेंड्स मेरे पास लॉजिक होता है, कंडीशन होता है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ और वहां से लोग को प्रॉफिट बनता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, उसको भी जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमारा मेहनत आप लोगों को कितना हेल्प करता है वो भी कमेंट में लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।